भोजपुरी फिल्म हल्फा मजा के गैल मुंबई के सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई है। सभी इन फिल्मों को खूब पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए फिल्म के कुछ कलाकार जब पहुंचे नवरंग सिनेमा घर में तो ऐसा था वहां का नजारा। एक मिनट रुकिए, लाइट जला रहे हैं, लाइट भी आइए मैं पैसे को नहीं लेना। आप थोड़ा धीरे धीरे और आगे आप लोग भी आ जाओ। 1000 अब आप कितना कर रहे हो? हर बार ट्रेन का लेगा हां ना, इसको छोटा एक सेकंड सर, एक सेकंड आइए भाई सर, अरे अंदर इंटरव्यू है ना, अरे अरे अंदर उसको अंदर अंदर के अंदर पहले पहले अंदर पहले तो लोग बैठ जाइए अंदर बैठो। समझ नहीं सुना है ना, चल यार बहुत गर्मी है, बहुत क्या एक फिल्म प्रमोट कर रहे हैं आज, इसका एक शो रखा गया है मुंबई में खास तौर पर, जरा फिल्म के नाम से बताएं और क्या प्रमोट कर रहे हो? फिल्म का नाम है हल्फा में जाके गई, ये अपना भोजपुरी फिल्म है और जो हीरो है इसका राघव है, शिप्रा है, और से बड़े प्यार से किसी चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इन्होंने फिल्म मेकिंग में भी। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि देखिए हम कुछ एक्टरों ने, मैंने भी हमारा फर्ज बन जाता है कि नया लड़का नई लड़की आती है ना, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, अभी हम लोगों ने तो किचन चलानी नहीं है, लेकिन अपने एक आशीर्वाद देने के लिए हमसे चाहे थोड़ा सा भी पिक्चर में फ़र्क पड़ेगा तो भाई 10 आदमी आते तो 11 आ जाएंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत इनको मुबारक हो, बड़ा अच्छा काम किया है, म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि ये नए लड़के और लड़की की जोड़ी को पसंद करें और फिर बार बार जोर से बनाएंगे पिक्चर, और हमारे लिए जो भी सेवा होगा हम साथ में करेंगे, अपने बच्चे ही हैं। और राघव जो लड़का है वो भी बड़ा टिपिकल जो होता है ना कॉलर खड़ा करने वाला, नहीं मतलब बड़ा अच्छा है लड़का, बड़ी मेहनत की है उसने, और मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आप लोग थिएटर विजिट कर रहे हैं, इसके बाद एक भोजपुरी फिल्म है, किस तरह की ऑडियंस की रिएक्शन, किस तरह की चीज़ें लोगों से आप लोगों को मिलेंगे जब आप फैंस के बीच जा रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं? देखिए जैसा कि रणजीत साहब ने कहा, एक नई जोड़ी है, राघव जो नया लड़का हीरो है, हीरोइन नहीं है, प्रोड्यूसर बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत शोमैन है, और रमेश नैयर जी जो फिल्म ने भी बहुत अच्छा खर्चा किया है और पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है और फिल्म अच्छी बनी है, और यही वजह है कि हम लोग दुआएं दे रहे दोनों भाई आज निकले हैं। और पब्लिक का रिएक्शन जो है, पब्लिक का रिएक्शन तो सिटियां बजा रहे थे, हमने देखा है बॉम्बे साइड, हम मेरा चुपके से पर्दे के पीछे जाकर खड़े हो गए थे ताकि पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो, तो हंस भी रहे थे, सिटी भी बजा रहे थे, पब्लिक का रिएक्शन बहुत अच्छा। जब थिएटर में सिटी बजती है तो आई थिंक इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। यस, अब चूंकि रमजान का महीना चल रहा है फिर भी मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है इंशाल्लाह अच्छी चलेगी, और ये दोनों जोड़ी जो है बहुत आगे जाए, ऐसी दुआएं दे रहे हैं हम लोग। आए रंजीत जी जो लीड एक्टर्स हैं, जो लीड पेयर है वो नया है, शायद उनकी पहली फिल्म है, जैसे आप कितना पोटेंशियल देखते हैं आप उनमें एक्टिंग को लेकर, या फिर आप लोगों ने काम किया उनके साथ, कैसा भविष्य देखते हैं इस नई जोड़ी का? मैंने अभी आपके सवाल का जवाब दिया ना कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया है, लड़का बड़ा अच्छा है और उन्होंने अपने अपने किरदार बड़ी अच्छी तरह निभाए हैं, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा तो अभी इस वक्त की उम्र में यही है कि वो अपना बच्चा है
उसके लिए हमें जो भी जितना भी सपोर्ट चाहे तिरके का सहारा होता है ना, वो भी बहुत होता है। और जैसे मैंने तो मिसाल दी ना कि अगर 10 आने वाले होते हैं तो हम लोग अगर आ जाते हैं, अली भाई हैं, हम हैं, प्रेम चोपड़ा साहब हैं, रजा मुराद साहब हैं, हमने अपनी तरफ से इस बच्चे के लिए पूरा कोशिश किया कि इसकी पिक्चर कामयाब हो और हमारी तरफ से जितना भी योगदान है वो काम आएगा। अली भाई, कहा ये जा रहा है कि फिल्म भोजपुरी भले की भाषा में बनाई गई लेकिन इसकी जो मेकिंग है, लेवल है, वो हिंदी की तरह बनाई गई है, चाहे वो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हो या फिर बाकी चीजें हो, लोकेशन हो, आप जैसे बड़े आर्टिस्ट लोग हो, इस बात से कितना इत्तेफाक है? यस यस, बिल्कुल सही कहा। जो भी हमने फिल्में देखी, हीरो ने बड़ा अच्छा काम किया, हीरोइन ने बड़ा अच्छा काम किया, लोकेशन बड़े अच्छे हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ऐसा लगेगा नहीं आपको? लगता नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है कहीं कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़? म्यूजिक में भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, बड़ा अच्छा म्यूजिक बहुत अच्छी है, तो होगा, बात बनेगी। पिक्चर में जो मसाला चाहिए वो है, वो है। हिंदी स्टार्स की बात, जो गैलेक्सी देखी गई, इसमें गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जिसमें से बड़े दिग्गज आर्टिस्ट दिखाई दिए, ये भोजपुरी फिल्म के लिए कुछ नई चीज़ है रंजीत जी, आप कितना मानते हैं कि इससे फिल्म को बहुत ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, मैंने बोला ज़्यादा हो या कितना, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि 10 आदमी अगर आने वाले हैं भोजपुरी फिल्म में, अगर हम लोग होते हैं तो 11 तो आ ही जाएंगे ना, तो फ़ायदा ही होता है ना। और वो पिक्चर अच्छी होगी तो अपने दम पे चलेगी, बहुत चलेगी, वो हमें पूरा भरोसा है। और हमने काम भी इसीलिए किया है, और हम अपना आशीर्वाद भी ब्लेसिंग को, इस नए कपल को, और हमारा दोस्त जो रमेश नायर है, जिन्होंने अपने पूरी जितना भी उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, पैसा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पिक्चर को पूरा जस्टिफाई किया है। आई थिंक एक फिल्म के लिए ऐसा एक बाप मिल जाए जो हर चीज़ पूरी कर दे, तो उसके लिए तो कुछ पीछे रहने वाली बात नहीं होती है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है और बाकी जनता के हाथ में है, आप लोग जितना प्यार देंगे पिक्चर चलेगी। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज भोजपुरी में? रंजीत जी भोजपुरी बड़ी मीठी बोलते हैं। अरे क्या कहते हो यार, हम भोजपुरी तो बोलते हैं, हम याद करते हैं, हाँ बोल देते हैं, समझे नहीं, मीठी भोजपुरी तो मीठी होती है, और पंजाबी के मुँह से तो वैसे ही मीठी निकलती है, तो पंजाबी अपनी माँ बहन की निकाल देता है बाहर तो मीठी निकलती है। रंजीत जी, अली कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जरूर। ऑडियंस ये फिल्म देखिए और इन बच्चों को दुआएं दें, ये फिल्म चले और हम सब गार्जियन के साथ खड़े ऐसी दुआएं करने के लिए यहाँ तक पहुँचे, आप सबका सपोर्ट चाहिए। अच्छा रंजीत सर, अभी मुझे बताया गया है कि पटना भी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, रजा मुराद साहब जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, कुछ बताएंगे ऑडियंस को कहाँ कहाँ प्रमोट की जाएगी? कहाँ का क्या, पटना में कैसे प्रमोशन होंगे? पटना में हम 3 दिन हैं, पूरा जाना है, हर नुक्कड़ में कोने में पहुँचेंगे, बिहार को बताएंगे कि ये पिक्चर आई है और ये वहाँ के देखेंगे, आशीर्वाद देंगे, और अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पिक्चर को चाहिए वो दे रहे हैं। क्या अभी ज़माना बदल गया, अभी टीवी का ज़माना आ गया और मीडिया बदल गया है, बोर्ड होर्डिंग्स और ये वो चेंज हो गया है, और अभी डायरेक्टिंग इंटरेक्शन है। हम तो 400-500 पिक्चरों में काम किया है, लेकिन पिक्चर होती है वो, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मैं तो हिंदुस्तान की हर पिक्चर में काम किया, हर लैंग्वेज में काम किया, यहाँ तक कि गुजरी लैंग्वेज है वो भी नहीं छोड़ी मैंने, वो भी की है ना। अभी लेटेस्ट मैंने की थी ये मेघालय में, अपनी ये क्या बोलते हैं नेपाली फिल्म भी की है, तो पिक्चर होती है, और उसके ऊपर अगर पब्लिक का थोड़ा आशीर्वाद साथ में मिल जाए और एंटरटेनिंग है, आज पब्लिक को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वो सब इसमें है, बस आप टिकट की परवाह मत करो, थिएटर में पहुँच जाओ, देखो जाके, और छोटे पर्दे पर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, थिएटर में जो मज़ा आएगा वो आएगा। कोशिश करी है कि पिक्चर नहीं अच्छे तरीके से बनाए तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और एंटरटेनिंग लग रही है, लोग बोल रहे हैं, दोबारा दोबारा शो देखने जा रहे हैं। अच्छा राघव, ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ जी। आपके फिल्म रिलीज होके 2 दिन हुए हैं, आपके दोस्त जो होंगे इंडस्ट्री में जिनके साथ आप पहले बातें करते रहे होंगे, मिलते रहे होंगे, उनसे कोई प्रतिक्रिया जो कि आप बताना चाहें, किसी ने बहुत अच्छी बात कही हो या किसी ने बहुत बुरी बात कही हो? सब ने अच्छा ही बोला, बुरा इस सेंस से बोला कि मैं कुछ सीख सकूँ, जैसे किसी ने बोला कि जैसे थोड़ा मेरे को एक्शन में डांस में थोड़ा और करना चाहिए, हाँ ठीक है, मैंने पहली फिल्म करी अपने तरफ से 100% दिया, अब उसका जो मेरे को रिएक्शन मिलेगा वो मेरे लिए ही अच्छा भी मिले बुरा भी मिले, तो मेरे लिए एक एक्सेप्टेंस है कि मैं एक क्रिटिसाइज हो सकता हूँ उस चीज़ में, मैं उस चीज़ को अच्छे से कर सकता हूँ। सरप्राइज फिल्म में आप सिगरेट पीते हुए नजर आई हैं, सिगरेट आपको मतलब कोई परेशानी नहीं पाता?
बहुत हुई थी क्योंकि एक सिगरेट नहीं बार बार पीनी पड़ रही थी क्योंकि वो बंद हो रही थी बार बार। बताते कितनी मुश्किल से मेरे को उसको दिक्कत हुई स्मोक करने में, पर इनको एक्सपीरियंस था शायद पहले, इन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से थोड़ा कैसे करना चाहिए। मैंने एक फिल्म में ऐसा रोल किया था बहुत पहले, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन हाँ इस बार बहुत तकलीफ हुई थी। नहीं ऐसा क्या कर था आपको सिगरेट पीना पड़ा था? वो तो फिल्म देखनी पड़ेगी आपको पता चल जाएगा। शौक बस या हीरो को फंसाने के लिए? मैं उसको नहीं फंसा रही हूँ, वो मुझे फंसा रहा है इस फिल्म में। लेकिन सिगरेट तो आप मांग रही है फिल्म में, क्योंकि मुझे सिगरेट पीनी थी। नैयर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? और डेफिनेटली बहुत कोशिश कर रहे हैं, पब्लिसिटी इतनी अच्छी हो रही है, इतनी सारी जगह रिलीज हो गई है, थैंक यू सो मच। राघव और इससे पहले अल्फा मचा के गई, इससे पहले आपकी क्या पहचान थी, क्या करते थे आप, या उससे पहले की लाइफ के बारे में क्या बताते हैं? स्टार्टिंग में मैं ट्वेल्थ करके, मेरे को मतलब शुरू से शौक था एक्टिंग का, तो ट्वेल्थ करके मैं बॉम्बे आया, उसके मैंने एक्टिंग कोर्स करा आशा चंद्रा जी से, उनका इंस्टीट्यूट है जुहू में, तो वहीं से मैंने सोच लिया था यार मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करता रहूँगा, तो मैंने फिर एक दो सीरियल में एपिसोड्स किए, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पापा ने बोला कि एक फिल्म बनाना चाहता हूँ तेरे साथ, मैं पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं एक रीजनल फिल्म कर सकता हूँ जो मेरे से पूरा हटके एक टास्क है, तो उसके लिए मैंने फिर मैंने वर्कशॉप्स करी, फिर करते करते आज आप देख सकते हो पिक्चर पूरी बन गई है और लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो एक मेरे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट बोल सकते हैं। मतलब फिल्म करने से पहले पूरी तैयारी की, पूरा होमवर्क किया, सब कुछ खुद को रेडी किया? हाँ जी, टाइम पे आपको ऑलराउंडर होना जरूरी है, आप पिच पे उतर रहे हो तो आपको डिफेंस भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आनी चाहिए, क्रिकेट में सब कुछ आना चाहिए आपको, एक क्रिकेट टाइम। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।